Hi everyone, welcome. Today we will do class 8th science chapter 8 cell structure and function keywords. So let's we start. Number 1, cell. The cell is known as the basic structural and functional unit of life of all living organisms. जो cell होती है उसको सभी living organisms की एक basic structural और functional unit के नाम से जाना जाता है. Means कि जितने भी living organisms होते हैं उनकी जो सब structural function unit होती है, सबसे smallest जो basic unit होती है वो cell कहलाती है. Next, cell membrane. Cell membrane is a membrane around the cell. It is also called the plasma membrane. जो cell membrane होती है वो एक cell के चारों तरफ की एक outer covering layer होती है. मतलब जो cell होती है उसके जो around एक outer covering layer पाई जाती है, उसी को हम cell membrane कहते हैं. और cell membrane को plasma membrane के नाम से भी जाना जाता है, उसको plasma membrane भी कहा जाता है. Next, cell wall. Cell wall is a hard and rigged covering of plasma membrane and found in plant cells only. ये जो cell wall होती है ये हार्ड और rigged outer covering होती है. ये जो plasma membrane means अभी जो हमने plasma membrane की बात करती है, cell membrane cell के चारों तरफ एक outer covering layer पाई जाती है जिसको हम plasma membrane कहते हैं. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और हार्ड और रिग्ड एक आउटर कवरिंग लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है. और ये जो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट्स आर द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स हैविंग क्लोरोफिल which is essential for photosynthesis. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स कहलाते हैं. और ये जो ग्रीन कलर होता है ये बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल होता है. और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि जो ग्रीन लीफ होती हैं प्लांट्स की, ग्रीन लीफ का जो कलर आता है ग्रीन कलर, वो बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है. और आप लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट, क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस. इट कैरीज जीन्स. जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मीन्स धागे जैसे इनका एक स्ट्रक्चर होता है. ये सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें पाए जाते हैं और ये जीन्स को कैरी करते हैं. जीन्स मीन्स होते हैं जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इनहेरिटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, उनको कैरी कर पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग तक लेकर जाते हैं. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. नेक्स्ट, यूकैरियोटिक्स. द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो सेल होती है, जिन सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जाता है, मीन्स एक सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. एग्जांपल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है. नेक्स्ट, जीन. जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो जीन्स होते हैं वो इनहेरिटेंस की एक बेसिक यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरेडिटरी करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ये जो पेरेंट्स से जो हेरेडिटरी करैक्टरिस्टिक्स जाते हैं ऑफस्प्रिंग मीन्स चाइल्ड तक, उन हेरेडिटरी करैक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, उनके मतलब कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, multicellular. Organisms made of more than one cell are called multicellular. ऐसे organism जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं इन्हें हम multicellular organisms कहते हैं. Like examples, all animals and human beings. जितने भी animals हैं, human beings हैं, ये सभी multicellular के example हैं. Next, nuclear membrane. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म में सेपरेट करने का काम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है. मींस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए एक न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है. नेक्स्ट, न्यूसेलस। न्यूसेलस इज अ स्मॉलर स्पैरिकल एंड डेंस बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूसेलस जो होता है वो एक स्मॉलर, एक छोटा सा स्पैरिकल राउंडेड बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द denser region of the cell and may be present at the center of the cell। न्यूक्लियस जो होता है एक denser region होता है, सेल के बीच में present होता है। ये जितने भी सेल के जितने भी functions होते हैं उन सभी functions को control करने का काम करता है। Next organ। An organ is a group of tissues specialized to perform specific functions। जो organs होते हैं वो टिश्यूज़ के ग्रुप होते हैं, मीन्स जो टिश्यू होते हैं वो मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये स्पेशल फंक्शंस को कैरी करते हैं, लाइक लंग्स, लाइक हार्ट, ये सभी। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। Organelles are smallest structure scattered in the cytoplasm that work together to carry out life process। जो organelles होते हैं वो सेल में बिखरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बिखरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं और ये काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेस को करते हैं एक साथ। लाइक एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सभी ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड द सेल आल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सेल के चारों तरफ पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड्स। Plastids are the colored organelles that are found in plant cells only। जो plastids होते हैं वो color organelles होते हैं जो केवल plant cell में ही present होते हैं। Plant cell में ही color ये plastids पाए जाते हैं जो plants के different parts में color provide करते हैं। Next prokaryotes। The cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells। ऐसे cells जिनमें nuclear material जो nucleus present होता है वो without nuclear membrane के means nucleus के ऊपर nuclear membrane पाई जाती है, लेकिन कुछ cells ऐसी होती हैं जिनमें nucleus के ऊपर nuclear membrane नहीं पाई जाती। ऐसे cells को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। लाइक एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो एल्गी हैं इनकी जो सेल्स होती हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सुपोडिया। सुपोडिया आर द प्रोजेक्शन protruding out of the body of amoeba। These appear and disappear as amoeba moves। ये जो सुपोडिया जो होता है एक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अमीबा की बॉडी के थ्रू ही आउट ग्रोथ से बनता है। जब अमीबा आगे की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाते हैं, जिसका मेन वर्क क्या होता है फूड को कैप्चर करने का होता है। और जैसे ही वो अमीबा जब फूड को कैप्चर कर लेता है, ये मूव कर लेता है, ये प्रोजेक्शन गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टिश्यू। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक जैसी सेल्स के ग्रुप से बनते हैं और ये एक स्पेशल फंक्शंस को कैरी करते हैं, डन करते हैं। नेक्स्ट यूनिसेलुलर। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म केवल एक ही सेल से बने हुए होते हैं उन ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लाइक एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ये एग्जांपल हैं, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। नेक्स्ट वैक्यूल्स। Vacuoles are membrane-bound, transparent organelles present in both animal and plant। जो vacuoles होते हैं वो एक ऐसी membrane होती है जो transparent organelles से present होती है, means एक transparent होती है और ये animal और plant cells दोनों में present होती है। Animal cells में ये smaller size में होती है, plant cells में ये large size में पाई जाती है। Next, white blood cells। White blood cells (WBCs) are अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम डैट हेल्प फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।